दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में। Vivo ने अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है। फोन का नाम है Vivo V20 2021। ये वाला फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। Vivo की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ भाई, कोई लॉन्च इवेंट नहीं रखा गया, सीधे ये वाला फोन Amazon पर लिस्ट हो गया और Amazon पर सेल के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको किसी तारीख का वेट नहीं करना है, ये वाला फोन आप डायरेक्ट Amazon से जाकर परचेस कर सकते हैं। और फोन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और अच्छे प्राइस पॉइंट पर फोन लॉन्च किए गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स यहां पर आपको मिलते हैं, कैसा होने वाला है ये फोन, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया गया है और क्या ये फोन खरीदने लायक रहेगा या नहीं रहेगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको काफी तगड़ी मिलने वाली है भाई। फुल ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिलता है, ग्लास बैक दिया गया है, ग्लास फ्रंट दिया गया है, बैक में आपको एजी मैट ग्लास, एंटी ग्लेयर मैट ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और फ्रंट में यहां पर आपको शॉर्ट सेंसेशन वाला ग्लास दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफी तगड़ी यहां पर आपको मिलती है, काफी स्टडी मिलती है। डिजाइन की अगर बात करते तो जैसा V20 का डिजाइन था सेम डिजाइन पर यहां पर आपको फोन मिलता है, सेम कलर्स में मिलता है, सनसेट मेलेडी कलर है और मिडनाइट जैज कलर है। दो कलर्स में आपको फोन मिलता है। टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप मिलता है, कैमरा की हाउसिंग काफी बढ़िया लगती है, रेक्टेंगल शेप में दी गई है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप वहां पर आपको मिलता है। साथ ही में फ्रंट में अगर बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है, हल्की सी चेन मिलती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से आपको इतनी सी भी शिकायत नहीं होने वाली है भाई। 2020 का बेस्ट लुकिंग फोन है और काफी तगड़ी डिजाइन यहां पर आपको मिलती है। बिल्ड एंड डिजाइन से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो 6.44 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, एमोलेड पैनल यहां पर दिया गया है और डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 405 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है। हालांकि रिफ्रेश रेट यहां पर आपको 60Hz का ही मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो एक बहुत अच्छा डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। डिस्प्ले क्वालिटी से भी आपको कोई शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Vivo V20 में आपको मिलता था Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट। यहां पर Vivo V20 का जो 2021 का एडिशन है यहां पर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट। यहां पर चिपसेट को अपग्रेड कर दिया गया है, बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं मिलते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत डिफरेंस है। 720G की जो परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है। 730G जो चिपसेट है वो 8 nm पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, बैटरी ड्रेन का इशू आपको नहीं आएगा, साथ ही में अगर हीटिंग का भी इशू यहां पर आपको नहीं आने वाला है। और उसी के साथ में सीपीयू की अगर बात करें तो 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। Cryo 470 वाले कोर्स मिलते हैं, 470 जो कोर्स है A76 और A55 से मिलकर बने होते हैं। सीपीयू की परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी। गेमिंग के लिए Adreno 618 GPU मिलता है जो कि अच्छे लेवल की गेमिंग आपको करा देता है। गेमिंग में भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलता है, UFS 2.1 वाली स्टोरेज मिलती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलेगी। कैमरास की अगर बात करें भाई तो Vivo के फोन की बात करें और कैमरास की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस फोन का एक मेजर हाईलाइट है इसका कैमरा। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, यहां पर 64 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है और यहां पर ये जो कैमरा सेटअप दिया गया है इससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर यहां पर नहीं दिया गया है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है उसी से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। कैमरा सेटअप यहां पर आपको काफी कमाल मिलता है और कैमरा आउटपुट Vivo V20 के आपने देखे ही है भाई, काफी मस्त वाले यहां पर आपको कैमरा आउटपुट मिलते हैं। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं 44 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, 44 MP का सेल्फी कैमरा काफी धमाल इसके अंदर दिया गया है और सेल्फी आउटपुट भी बहुत अच्छे आते हैं। आई ऑटो फोकस का यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, 15 cm से इन्फिनिटी ऑटो फोकस यहां पर आपको मिलता है। कैमरा मॉड्यूल इसका काफी तगड़ा है भाई, फ्रंट कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं जो इसकी कैमरा एप्लीकेशन है उसके अंदर। कैमरा मॉड्यूल से आपको इतनी भी शिकायत नहीं आने वाली भाई, बहुत तगड़ा कैमरा सेटअप यहां पर आपको दिया गया है। बैटरी की अगर बात करें 4000 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है। बैटरी का साइज थोड़ा सा कम है और वो इसलिए है क्योंकि जो फोन है वो काफी स्लिम बनाया गया है। 7.38 mm की थिकनेस मिलती है फोन के अंदर और ज्यादा बड़ी बैटरी डालेंगे तो भाई आपको पता है फोन मोटे होंगे, यहां पर
थोड़ी सी छोटी बैटरी जरूर से दी गई है, लेकिन उसके कारण फोन स्लिम हो जाता है। 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको दी गई है। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करने के लिए 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी से भी मेरे को नहीं लगता कोई शिकायत आपको ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, बैटरी का साइज आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उस चीज से फोन भी थोड़ा स्लिम हो जाता है, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है चार्ज करने के लिए। 3.5 mm जैक, 3.5 mm का खड्डा मिलता है इस फोन के अंदर, उसको गायब नहीं किया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, साथ ही में फनटच ओएस 11 इसके ऊपर मिलता है जो यूआई है। और फनटच ओएस 11 का रिव्यू मैंने रिसेंटली देखा है, नेक्स्ट टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। काफी क्लीन कर दिया गया है वीवो की तरफ से, तो ये काफी अच्छी बात है भाई। जो यूआई है वो काफी क्लीन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओवरऑल फोन के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मेरे को नहीं लगता भाई कि इस फोन के अंदर आप कुछ और डिमांड कर सकते हो, क्योंकि कैमरा अच्छा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले अच्छा है, चिपसेट और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, कैमरा तो धमाल है ही है, बैटरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, सेंसर्स भी आपको यहाँ पर सारे मिल जाते हैं। वेरिएंट्स की अगर बात करते तो एक वेरिएंट है 8GB + 128GB जो कि अमेजोन पर ऑलरेडी मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में, 24,990 रुपए में। सेम प्राइस पॉइंट रखा गया है जिस पर Vivo V20 लॉन्च हुआ था। Vivo V20 का जो 2021 एडिशन है, 2021 का एडिशन है, वो भी सेम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है, लेकिन चिपसेट को अपग्रेड कर दिया गया है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से भाई जो फोन के स्पेसिफिकेशंस है वो डेफिनेटली प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप Vivo का फोन खरीदना चाहते हैं या ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपए के बीच में आपको मिलता हो, बेस्ट कैमरा दे, बेस्ट गुड लुकिंग फोन हो, तो भाई Vivo V20 2021 एडिशन की तरफ भी आप जा सकते हो। आज सुबह में मैंने वीडियो डाला था जहां पर मैंने आपको बताया था चार ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 20 से 25 हज़ार रुपए के बीच में, वहां पर मैंने आपको Vivo V20 सजेस्ट किया था। उसके साथ में आप एक और चीज जोड़ सकते हो, Vivo V20 का 2021 एडिशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से Vivo को थम्स अप है भाई, Vivo की तरफ से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Vivo V20 सीरीज इतने तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में इतने तगड़े प्राइस पॉइंट पर आएगी, तो कुडोस टू Vivo। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई आपको क्या लगता है फोन के स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।